शाजापुर पुलिस ने 1.5 साल पहले हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से लाखों रुपए के सोने चांदी आभूषण बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शाजापुर में 15 सितंबर साल 2017 में बदमाशों ने व्यापारी नीलेश जैन के घर दावा बोलते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर साइबर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पारदी गिरोह के एक सदस्य संतोष पारदी को गिरफ्तार किया, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात में करीब 6 पारदी गिरोह के सदस्य शामिल थे, जो प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने शेष 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात जो है वो 15/9/2017 में घटित हुई थी। व्यापारी थे नीलेश जैन जी, उनके यहाँ पे, जिसमें जब वीडियो एक आया था तो उसमें देखा गया था कि करीब 6 लोगों ने इनके यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसमें पुलिस द्वारा काफ़ी मेहनत की गई इस चोरी को क्रैक करने के लिए। कुछ समय कुछ सुराग भी मिले और कुछ लोगों पे संदेह भी हुआ। संदेहियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पुलिस को गुमराह भी किया गया और काफ़ी समय इसमें पुलिस लगी रही, किंतु कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर जो मोडस ऑपरेंडी था उसके आधार पे भी हम लोगों ने मुखबिर भी लगाए थे और हम लोगों ने अपनी टीम को एक सूचना के आधार पे फिर इसमें हमें ऐसी सूचना मिली कि यह वारदात जो है वो गुना के पार्टियों द्वारा अंजाम में दी गई है। तो हमने फिर अपनी टीम को वहाँ पे भेजा। वहाँ पे उस वीडियो के माध्यम से और लोगों से पूछताछ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली, जिसमें करीब हमारे पास 2-3 संदेहियों के नाम आए। उसमें से जो एक मुख्य संदेही था संतोष पारदी, उसको जब उठाया और उससे पूछताछ की तो उसने घटनाक्रम को कबूल किया और उसने अपने 5 साथियों के भी नाम बताए हैं। इन 5 को भी फिर पुलिस ने इसकी निशानदेही पर जो चोरी का सामान था वो इसके घर में ये लोग क्या होता है कि गाड़ के रखते हैं, तो इसने भी इसने अपने घर में गाड़ के रखा था, जिसको पुलिस ने इसके घर से कुछ अमाउंट का बरामद किया, करीब 15 लाख का। ये बहुत ही शातिर बदमाश है, इसके ऊपर करीब 25 से ज़्यादा अपराध हैं और ये वर्तमान में भी 10,000 का एक इनामी है संतोष पारदी। बाकी इसके साथ के जो अपराधी हैं उनमें से एक अपराधी वर्तमान में अभी जेल में है और बाकी 4 फरार हैं, इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभी भी प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई तथा बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक गुना के द्वारा घोषित इनाम की राशि भी जिला शाजापुर को प्रदान की जाएगी। शाजापुर से किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट।